क्या आप जानते हैं धरती की तरफ एक धूमकेतु आ रहा है और एक ऐसा अद्भुत नजारा दिखेगा जो 50,000 साल बाद आपके सामने होगा। इस नजारे में रात में ही आपको दिन का एहसास होने लगेगा। चलिए पूरी बात बताते हैं, देख रहे हैं आप अजब गजब। मेरा नाम है मेघा, स्वागत है आप सभी का। सितारों की दुनिया में हैरान करने वाली कई घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार करीब 50,000 साल बाद अंतरिक्ष में एक बेहद अजीब घटना होने वाली है। दरअसल 1 फरवरी की रात को एक ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इस रात आसमान में कुछ दिन जैसा नजारा होगा। ये घटना 50,000 साल में पहली बार होने जा रही है। खास बात है, अगर आपके इलाके का आसमान उस समय साफ रहा तो आप इसे अपनी नंगी आंखों से देख पाएंगे। इसके लिए आपको किसी दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 फरवरी है तो सर्दियों का मौसम है, तो कह नहीं सकते कि आसमान साफ होगा भी या नहीं। असल में एक धूमकेतु है जो इससे पहले हिमयुग में आया था। इसका नाम C/2022 E3 ZTF है। इससे पहले ये 50,000 साल पहले पेलियोलिथिक काल में आया था, जब इंसानों की आधुनिक प्रजाति जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता था वो नहीं थे। इस धूमकेतु को पिछले साल मार्च में खोजा गया था, जिसके बाद से लगातार कैलिफोर्निया की ज्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी के वैज्ञानिकों द्वारा इसे ट्रैक किया जा रहा है। हमारे सौर मंडल की बाहरी सर्किल से यात्रा करने के बाद ये धूमकेतु 12 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब से गुजरा और 1 फरवरी को पृथ्वी के सबसे पास देखा जाएगा। इस दौरान निकलने वाली रोशनी रात में दिन जैसा उजाला कर देगी। ज्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी में काम करने वाले कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के प्रोफेसर थॉमस प्रिंस का कहना है कि ये धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब आने पर चमकीला हो जाएगा। इसके अलावा पेरिस ऑब्जर्वेटरी के एक खगोल वैज्ञानिक निकोलस बीवर ने अनुमान लगाया है कि बर्फ और धूल से बने और हरे रंग की रोशनी का उत्सर्जन करने वाले इस धूमकेतु का डायमीटर 1 किलोमीटर होगा। C/2022 E3 धूमकेतु नियोवाइस की तुलना में काफी छोटा बताया जा रहा है। दरअसल नियोवाइस आखिरी धूमकेतु था जिसे बिना किसी सहायता के नंगी आंखों से देखा गया था, जो मार्च 2022 में पृथ्वी के पास से गुजरा था और बहुत से लोगों ने इस खगोलीय घटना को देखा भी था। इससे पहले 1957 में हेलबोप धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरा था। इसका संभावित व्यास करीब 60 किलोमीटर था। हेलबोप धूमकेतु कई दशकों में सबसे ज्यादा चमकदार और 20वीं सदी में सबसे ज्यादा अवलोकित किया गया था। इसे नंगी आंखों से 18 महीने तक देखा गया था। जो लोग विज्ञान, साइंस, आसमान, खगोलीय विज्ञान की समझ रखते हैं वो इस घटना को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अगर आपको भी मौका मिले तो आप 1 फरवरी को इस घटना को जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अजब गजब देख रहे थे आप, नमस्कार।